तो गाइस आज अपना दूसरा दिन है द्वारका में, और आज चलने वाले हम लोग घूमने के लिए कहाँ पे चलने वाले हैं, अब बने रहे वीडियो में। और आज आपको 5-6 जगह दिखाऊंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या धीरज भाई, और बने रहिए। चैनल में पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिए गाइस, और कमेंट करके बताइए आपको पूरा कैसा सीरीज लग रहा है। और चलिए गाइस वीडियो को करते हैं शुरू, और ये काफ़ी मतलब लंबा वीडियो होने वाला है, तो बने रहिए हमारे साथ। और गाड़ी हम लोग फाइनली बुक कर चुके हैं, जो कि हम लोग को 14,000 रुपये का मिला है, और पूरा घुमाएगा, तो साथ में बने रहिए, आपको पूरा ब्लॉग दिखाते हैं। तो गाइस अभी हम लोग आ गए हैं रुक्मणी माता जी का दर्शन करने के लिए मंदिर पे, और ट्रैवलर गाइड जो है पूरा हम लोग को घुमाएंगे यहाँ पे जो जो तीर्थ स्थल है। और अभी आप देख सकते हो सामने हमारा मंदिर रहा, और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड है आप देख सकते हो पूरा, और यहाँ पे गाड़ी वाड़ी सब मिल जाएगी आपको जाने के लिए आप आते हैं तो। और अभी चलते हैं गाइस मंदिर में दर्शन करते हैं। तो गाइस अभी देख सकते हैं रुक्मणी जी का मंदिर है, तो गाइस आपको यहाँ से सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ मंदिर का, सिनेमैटिक शॉट आप एंजॉय कीजिए। तुम रह सके तो रबा है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। तो मंदिर में फोन है लागू है तो ऊपर लेके चलते हैं, आप देख सकते हैं। और अंदर तो अलाउ नहीं रहेगा, बाहर से मतलब आपको दिखा देता हूँ। तो गाइस हम लोग मंदिर के अंदर दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम पीछे खड़े हैं, कुछ ऐसा नज़ारा आपको देखने को मिलता है, काफी खूबसूरत है, और यहाँ पे नदी भी है, और अभी आप देख सकते हैं। तो चलिए गाइस आपको यहाँ से एक सिनेमैटिक शॉट दिखाता हूँ, सिनेमैटिक शॉट एंजॉय कीजिए। ऐसी जिंदगी हम छिपछिपाए, हम ना आए 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 हम ना आए, ऐसी जी छिपछिपाए, ऐसी जी हम ना पाए। दर्शन कर चुके हैं, और दर्शन करने के बाद बाहर आए, जैसा कि हमें यहाँ पे बताया गया कि सबसे पहला दुनिया का लेटर इन्हीं को ही रुक्मणी माता जी को ही लिखा गया था। और अभी आप यहाँ से दर्शन कर लिए हैं, और अभी चलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे, वहाँ पे दर्शन करेंगे। और भी कहाँ चलने वाले हैं तो गाइस अभी नहीं बताऊँगा, आप वहाँ पर चल के आपको बताता हूँ। तो गाइस अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारी संख्या मिल रही है, अनेक अनेक प्रकार की चीज़ की है यहाँ पर आदि होगी, और यहाँ पे मम्मी मम्मी हमारी परचेस कर रही हैं, और काफ़ी अच्छा है गाइस, काफ़ी सुकून मिल रहा है यहाँ पे, और काफ़ी यहाँ पे क्राउड भी है। और आप यहाँ से आए द्वारका जी का दर्शन करने के लिए, तो आप यहाँ पे भी आइए तो ही आपकी जो यात्रा है पूर्ण होती है यहाँ की। और ऐसा माना जाता है कि आप वहाँ से दर्शन करके आप चले जाइएगा तो आपकी जो यहाँ पर आने का जो मोटिव रहता है वो आधा ही पूरा होता है, और आधा नहीं हो पाता है। तो आइए यहाँ पर भी आप आइए, यहाँ पर भी दर्शन किए, और काफ़ी अच्छा है, ज़्यादा दूर नहीं है द्वारका देश से, और वहाँ से भी आपको गाड़ी मतलब मिल जाती है यहाँ के आने के लिए। अभी आप देख सकते हैं बहुत सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, जो कि आप आराम से जहाँ पे जाना चाह सकते हैं पकड़ के चले जा सकते हैं, और यहाँ का जो व्यू है काफ़ी अच्छा है। और गाइस अभी हम लोग मिलते हैं आपको नेक्स्ट डेस्टिनेशन पर, और अभी कहाँ चलने वाले हैं कुछ ऐसा फिक्स नहीं, जो कि हम लोग ने पैसा पे किया है, गाड़ी बुक किया है। यहाँ पर जितने ही मतलब तीर्थ धाम यात्रा है वो हमें पूरा टूर कराएंगे, तो अभी जो नेक्स्ट जगह चलने वाले हैं बने रहिए साथ में चलते हैं।